दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है। टॉपिक है विश्व के महासागर एवं सागर। तो देखिए, इस टॉपिक से खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। यदि आप चाहें इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद सागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर। RRBSN 2003 का क्वेश्चन है ये। तो विश्व का सबसे छोटा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। महासागर को छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अटलांटिक महासागर को। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या होगा आंसर? प्रशांत महासागर। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए, कमेंट करके आंसर बताइए। ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेच किस महासागर में स्थित है? तो ये किस महासागर में स्थित है? ये स्थित है प्रशांत महासागर में। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है, बताइए। ऑप्शन देखिए, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग, यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी वाकई में कर रहे हैं। ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम मित्रों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। आंसर क्या होगा बताइए? आंसर हो जाएगा 11,033 मीटर। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? क्या आंसर होगा बताइए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3800 मीटर। 10वां क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता, क्या आंसर होगा बताइए? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया द्वारा अवरोधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या आंसर होगा बताइए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंद महासागर। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? क्या आंसर होगा बताइए? ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। 14वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? कौन सा महासागर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर।
अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? किस महासागर में पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग होगा जावा ट्रेच। देखिए 49 क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और 49 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए और कितने गलत ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जरूर बताएं कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपने। अगला क्वेश्चन, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? क्या आंसर होगा बताइए। तो देखिए आंसर हो जाएगा 33 महासागर को महासागर का अवशेष माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा बताइए। ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है बताइए। ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? बताइए क्या आंसर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर। 21वां क्वेश्चन, समुद्र पृथ्वी की सतह का डॉट 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 घेरे में है। देखिए आरआरबी एएसएनसीजी 2004 एएसएनसीजी 2004 में क्वेश्चन ये आ चुका है। क्या आंसर होगा बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 70%। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, कौन सा अरब कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? क्या आंसर होगा बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सार गैसो सागर। 23वां क्वेश्चन देखिए क्या है, सार गैसो सागर अवस्थित है। सार गैसो सागर ये कहाँ पर अवस्थित है? तो सार गैसो सागर ये अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 24वां क्वेश्चन, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य अवस्थित है। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं तीन महाद्वीपों को स्पर्श करती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा बताइए। आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रभावित होती हैं? क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा सार्गेसो सागर। अगला क्वेश्चन देखिए, काला सागर को किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर, क्या आंसर होगा बताइए। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रूस। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? ऐसा कौन सा देश है जो कि काला देश को स्पर्श नहीं करता है? क्या आंसर होगा? कजाकिस्तान। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है कौन सा देश है? वो देश है आपका जॉर्डन। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है, क्या आंसर होगा बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कैस्पियन सागर। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है? क्या आंसर होगा बताइए। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरब सागर। निम्नलिखित में से तीन सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है बताइए। क्या आंसर होगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेन। 33वां क्वेश्चन, सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? ये स्थित है अटलांटिक महासागर।
चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सागरों में कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है? क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा सारगासो सागर, ऑप्शन डी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये एमपीपीसीएस 1991 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तुर्की के उत्तर में है, तुर्की के उत्तर में क्या है? तुर्की के उत्तर में है काला सागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है, क्या आंसर होगा बताइए? ऑप्शन बी दक्षिण चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है बताइए, क्या आंसर होगा? मैस्को की खाड़ी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? कौन सा है? मारमारा सागर। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? क्या आंसर होगा बताइए? क्या आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कील। विश्व में किस खाड़े की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बताइए क्या आंसर होगा? हडसन की खाड़ी। ओके, 41वां क्वेश्चन, सारगासो सागर विख्यात है, सॉरी सारगासो सागर प्रख्यात है, किस लिए प्रख्यात है ये? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु। 42वां क्वेश्चन, सारगासो क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या आंसर होगा बताइए? सारगासो क्या है? सारगासो एक समुद्री घास है। 43वां क्वेश्चन, सबसे लवणीय सागर है, तो सबसे लवणीय सागर है कौन सा है? सबसे लवणीय सागर, सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। देखिए ये आरआरबी टीसी 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जॉर्डन और इसराइल के मध्य कौन सा सागर है? क्या आंसर होगा बताइए? कौन सा सागर है? ऑप्शन सी मृत सागर। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है ये, क्या आंसर होगा बताइए? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चाट। सलीबी सागर जहां है वह है, ये क्वेश्चन आरएएस आरटीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या आंसर होगा बताइए? आर्कटिक महासागर। 47वां क्वेश्चन, 90 ईस्ट रोज कहां पर स्थित है? बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन है ये, क्या आंसर होगा बताइए? हिंद महासागर। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? क्या आंसर होगा बताइए? एसएससी 2011 का क्वेश्चन है ये, किससे संबंधित है ये? ये संबंध है सुनामी से। 49वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं? बताइए क्या आंसर होगा? आईएस 2007 का क्वेश्चन है ये, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी केवल दो, ये वाला गलत हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है।